जय साथियों, इस वक्त मैं वाराणसी में हूं। कल अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलकर पूरी रात यात्रा करके वाराणसी पहुंचा। यहां पर तिरंगा यात्रा थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तिरंगे से डर लगता है। आदित्यनाथ जी की सरकार को तिरंगे से डर लगता है। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया जी के साथ जब आगरा में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, 524 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तो इसलिए तिरंगा यात्रा क्यों विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनका इतिहास तिरंगे का विरोध कर रहा है। 52 साल तक RSS के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। तिरंगा भारत की आन बान और शान है। तिरंगे के खिलाफ जो लोग हैं उनका चेहरा आज बेनकाब हुआ है। उत्तर प्रदेश में हत्या करने की छूट है, डकैती करने की छूट है, किसी को घर में घुसकर मार देने की, पुलिस हिरासत में मार देने की छूट है, लेकिन तिरंगा यात्रा निकालने की छूट नहीं है। तिरंगे से इतना डरती क्यों है भारतीय जनता पार्टी? इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, तिरंगा भारत की आन बान और शान है, और इस तिरंगे को फहराने से, इस तिरंगे को हाथ में लेकर चलने से हमें कोई रोक नहीं सकता, और जितनी बार भी ये रोकने का प्रयास करेंगे इनका काला चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने आएगा। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद।